Harika from Fem Kulugu International School. Today is board decorating competition in our school. Let's discuss with teachers about it. आप देख रहे हैं बच्चे स्टूडेंट्स अपने बोर्ड को काफी अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सारे हाउस इक्वली चल रहे हैं अपने बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए, अपने पूरे माइंड लगा रहे हैं, अपने पूरा दिमाग लगा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हाउस किस तरीके से अपने बोर्ड को डेकोरेट कर रहा है, इनकी थीम क्या है, और चलिए देखते हैं। अभी इस हाउस की स्टार्टिंग हुई है और यहाँ पे कुछ बॉयज अपने हाउस को स्टार्टिंग से डेकोरेट कर रहे हैं। रेड हाउस की थीम है फ्रीडम फाइटर्स, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है और इसमें लिखा है पढ़ो और फिर लिखो। परम हाउस मास्टर विद मिस्टर शुभम सर, सो लेट्स डिस्कस समथिंग। सर आप बताइए, आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया और इससे क्या बेनिफिट्स? एक्चुअली हमारा जो आइडिया है एंड द पर्पस विच इज रिप्रेजेंटिंग लीडर्स ऑफ इंडिया, आइडिया ऐसे आया है कि वी नो दैट अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, राइट? तो हम उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज़ वाई हम सिर्फ लीडर्स पे ही हम ये चीज़ बना रहे हैं। दैट्स वाई वी आर चूज लीडर्स ऑफ इंडिया। इट्स एक्चुअली अ इनोवेटिव लर्निंग है ना, जिसकी हेल्प से हम बच्चों को एक लर्निंग सिखा दें कि हम कैसे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं एक्टिविटी के साथ में। यही हमारा मेन मोटो एंड पर्पज था। तो क्या बच्चे सीख रहे हैं? हाँ, दे आर लर्निंग, दे नो ऑलरेडी अबाउट डेट कि इनने कब बर्थ हुआ था, कब इनकी डेथ हुई थी, इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट करा है, इनके क्या सेक्रीफाइजेस हैं, ये ना अभी लर्निंग इनको मिली है। ओके, थैंक यू सर। हम है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मिस्टर सुनील कुमावत सर के साथ। सर आप हाउस एक्टिविटी के बारे में कुछ बताइए। हाउस एक्टिविटीज यूजुअली जैसे बाकी सभी स्कूलों में भी होती है, मोस्टली जितने भी स्टैंडर्ड स्कूल उन सभी होती है, और उसमें मोटिव ये रहता है कि बच्चा सिर्फ क्लासरूम के अंदर ही पढ़ाई नहीं है, सीखने के लिए बाहर भी बहुत कुछ है। तो इसी बेसिस पर हाउस एक्टिविटीज रहती है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं या कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ है, या मेन कोशिश रहती है कि बच्चा जो है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके। तो ये स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रिप्रेजेंट करता है सर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये जो बच्चे ने बनाया है, ये पूरे हाउस एक्टिविटीज़ में बच्चों ने बनाया है। अब जैसे ही हम देखें ज्योतिर्लिंग के बारे में, अब ज्योतिर्लिंग के बारे में बच्चों ने बनाया, एटलीस्ट कम से कम नहीं है तो पता चलेगी जो कि 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारी कौन कौन सी है, माँ कालेश्वर है, ओंकारेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है, और है ना वेदनाथ है, केदारनाथ है, विश्वनाथ है। सच बताऊँ तो मुझे भी 12 नाम एक साथ याद ही थे, लेकिन अभी मैं देखूँगा तो सब याद मुझे हो जाएंगे। तो जो चीज़ें किताबों में नहीं दे रखी वो भी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है सिर्फ रिलीजियस चीज़ें ही नहीं है, इसके अलावा बाकी जैसे उस साइड देखेंगे या पूरा स्कूल में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप की चीज़ें बच्चों ने बनाई है, तो वो उससे क्या अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मैं आपको आगे चल के एक बोर्ड और दिखाता हूँ, ऐसे आगे और मैं कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ये स्टूडेंट ने ये बनाया है, बड़ा ही अच्छा, मुझे तो बड़ा क्रिएटिव चीज़ लगी है ना, ऐसे पंख लग रहे हैं है ना, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से आप लोग जो चीज़ें क्रिएट करते हैं उससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, नए नए सोचने के तरीके आते हैं, थिंकिंग स्किल बढ़ती है, एज वेल एज जैसे आप लोग जो हम लोगों से क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ऐसा भी कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप होगी। चीज़ें हम लोग करने से ज़्यादा सीखते हैं बजाय कि सिर्फ पढ़ने से, तो सिर्फ पढ़े नहीं करें भी, करें और सीखें भी। थैंक यू वेरी मच। तो हमारा हाउस का बोर्ड है, उसमें जैसे कि हमारे काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर हम काफ़ी सारे पोस्ट करते हैं। उसमें काफ़ी बार क्या होता है, कुछ हम अच्छी चीज़ें भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ ख़राब चीज़ें भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट कर देते हैं जो हमारी खुद की पर्सनल होती है, और पर्सनल होती है और वो वायरल हो ही चली जाती है, और लोग उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठा लेते हैं। इसलिए आप काफ़ी सारे मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, इन पर कभी भी कोई भी चीज़ पोस्ट करें तो कृपया ये देखकर पोस्ट करें कि कुछ ऐसा पोस्ट ना हो जाए जिसका लोग फ़ायदा उठा ले, जो भी पोस्ट करें अच्छा पोस्ट करें। ओके, थैंक यू सर। हेलो, वी आर विद अशोक हाउस मास्टर मिस्टर राम बाबू सर, लेट्स डिस्कस विद राम बाबू सर। सर हाउ दिस आइडिया कम्स टू योर माइंड? जैसे कि आजकल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वो है इंटरनेट, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस WWW वर्ल्ड वाइड मैप में हमने दिखाया है कि हमको इंटरनेट का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और जो हैकर्स लोग हैं वो कैसे मतलब मोबाइल को हैक या उसमें वायरसेस डालते हैं। अगर जो यूज़र्स हैं हमें ट्रस्टेड ऐप ही डाउनलोड करना चाहिए, जो प्ले स्टोर ट्रस्टेड ऐप है, वो बहुत सारे ऐप्स में हमें
डबल सिक्योरिटी या डबल सिक्योरिटी जो ऐप है उसको ही डाउनलोड करना चाहिए। जो हैकर्स होते हैं वो लोग वायरस या फिर ऐसी कोई अनवांटेड लिंक्स हमारे मोबाइल्स पे आती है उसे हमें टच या फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन है जो इंटरनेट को मतलब अच्छी डायरेक्शन में भी लेके जाते हैं, और जो हैकर्स है अगर वो आपकी पर्सनल डिटेल्स या कुछ हैक कर लेते हैं तो बहुत आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा इशू हो सकता है उसका। जैसे कि इधर देख पा रहे हैं नीचे एजुकेशन इज़ वन ऑफ द गिफ्ट दैट कैन नेवर टेक अवे। एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा गिफ्ट है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, कभी कोई ले ही नहीं सकता। और जैसे कि आप इधर देख पाओगे इधर अशोक चक्र है, अशोक चक्र में 24 स्तंभ होते हैं और हर स्तंभ का अलग अलग एक मतलब होता है, एक अलग मीनिंग होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अधिकार बुद्धि श्रमबुद्धि, यानी कि हर एक स्तंभ का अलग अलग वर्ड है, अलग अलग मीनिंग है। और वो हमें जो 24 तिलियाँ 24 स्तंभ है वो हमें सिखाते हैं कि हमें ज़िंदगी को किस तरीके से जीना है, कैसे आगे कैसे काम करना है बढ़ने के लिए। जी आपसे क्या सीख पा रहे हैं, आपको लगता है कि बच्चे सीख रहे हैं इससे? बिल्कुल सीखेंगे बच्चे, आजकल के बच्चा ऐसा कोई नहीं जो इंटरनेट का यूज़ नहीं कर रहा है। जो इंटरनेट का यूज़ कर रहा है उसे पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW क्या है और हैकर्स क्या होते हैं और यूज़र्स क्या होते हैं। बेसिकली बच्चे समझेंगे, चीज़ों को देखेंगे और किया भी उन्होंने है, वो करेंगे तभी तो सीखेंगे और सीखेंगे तो समझेंगे। ओके थैंक यू सर। आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, 520 पीस और मॉडल वर्क के। तो देखिए जानते हैं कि किसने बनाया और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए प्लीज़। ये बोर्ड मैंने बनाया है, मेरा नाम हिरावणी मंडलोई है और ये जो है इधर है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इधर है मॉडल बॉक्स। इधर जो है ये हमने ऐसे कुछ गिफ्ट्स के पैक के टाइप में बनाए हैं, इनके अंदर स्लिप है जिसमें कि लिखा हुआ है ओपन इट। अब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन है और इसका एग्जांपल है, ऐसे ही सब में उनकी उनकी डेफिनेशन है और एग्जांपल है। और जो इधर मॉडल वर्ब्स है इसमें भी लिखा गया है कि मॉडल वर्ब्स मतलब जो ये वर्ब्स है ये काई में यूज होते हैं। ओके थैंक यू। आप देख रहे हैं ये बोर्ड काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये बनाया दक्षिता और उनकी टीम ने, प्लीज इसके बारे में कुछ हमें बताइए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ आप मोबाइल का उपयोग ना करें, पर यदि आप कर रहे हैं तो आप मतलब आप कम से कम करें, आप अपने काम के लिए करें। और आप जो पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में पहले सोचें कि उसका लोगों पे गलत इम्पेक्ट पड़ रहा है या सही इम्पेक्ट पड़ रहा है। आप ऐसी पोस्ट करें जिससे लोगों को कुछ सीखने को मिले, या फिर ऐसी पोस्ट ना करें जिससे जिसका समाज पर कोई गलत असर पड़े या कुछ भी गलत मतलब लगे। ओके थैंक यू दक्षिता। हाउस मास्टर प्रेमलता मैम के साथ में आपने ये थीम क्यों रखी? बेटा मैंने सारी थीम्स देखी और मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को कुछ हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे जो ज्योतिर्लिंग है उनके बारे में, हमारे देवदर्शन के बारे में भी कुछ जानकारी होना चाहिए। क्योंकि अभी पिछले समय कुछ ऐसी मीटिंग हुई थी उसमें बच्चों से पूछा गया था तो उन्हें चार धाम के बारे में पता नहीं था। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो छात्र हैं उनको सब तरह के ज्योतिर्लिंग जितने भी हमारे देश में सबके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनको यहाँ पर प्रदर्शित करवाऊँगी बच्चों के द्वारा। तो हमने कल ये बनाए हैं, यहाँ पे 12 प्रकार के ज्योतिर्लिंग हैं और कौन सा ज्योतिर्लिंग किस क्षेत्र में है, किस राज्य में है, तो उसको भी यहाँ में मेंशन किया गया है ताकि बच्चा पढ़ेगा कि कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, जिससे उनको क्या याद भी हो जाएगा, ज्योतिर्लिंग के नाम भी याद हो जाएंगे और वो किस क्षेत्र में है वो भी उनको याद हो जाएगा। ओके थैंक यू मैम। जैन टोल हमें भरत सर के साथ, चलिए हम भरत सर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सर क्या आपको लगता है ये बोर्ड डेकोरेशन एक सही एक्टिविटी है जिससे बच्चे कुछ सही चीज़ें सीख सकते हैं? जय हिंद। आप जैसे आपने बताया बोर्ड डेकोरेशन कॉम्पिटिशन है, एज ए बोर्ड डेकोरेशन जो हम करा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है, एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और इसके तहत बच्चों को अपनी अपनी नई नई भावनाओं को उकेरने का वक्त दिया गया है। साथ ही स्कूल का सुंदरता भी बढ़ेगी और बच्चों को नई नई चीज़ें क्रिएटिविटी करने का मौका मिल रहा है। साथ ही हम इस चीज़ को एक कॉम्पिटिशन तौर पर कर रहे हैं। कॉम्पिटिशन इस बेस्ट पे कॉम्पिटिशन का बेस्ट ये है कि जब तक कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो नई चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। नई चीज़ें कब अच्छा अच्छा कब बाहर आएगा इंसान से, जब वो करेगा कंपटीशन की भावना से, क्योंकि कंपटीशन की भावना से ही आदमी जीतती प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं इसका बहुत समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे कंपटीशन होते हुए देख के और मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ओके थैंक यू सर। बस